देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नहीं मिला दहेज तो इंटरनेट पर अपलोड की पत्नी की अश्लील फोटो। सोशल मीडिया के जरिए मानसिक दबाव बनाने और साइबर क्राइम के मामले आम हो चले हैं। कई लोग किसी को भी बेइज्जत और बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला आजमगढ़ से सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी से दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाया। जब उसे लगा कि इससे काम नहीं चलेगा तो उसने पैसे कमाने के लिए पत्नी का मोबाइल नंबर और उसकी फोटो को अश्लील बनाकर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने फेसबुक पोस्ट पर पत्नी का मोबाइल नंबर भी डालकर उसे गलत मकसद के लिए संपर्क करने के लिए लोगों को दे दिया। ये मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा है। सोशल मीडिया में नंबर और तस्वीर अपलोड किए जाने के बाद पत्नी के नंबर पर तरह तरह के फोन कॉल आने लगे, जिससे तंग आकर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी को पहले जबरन पिलाई शराब, फिर दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। केरल से गैंगरेप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला के पति ने ही दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। ये घटना तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में कादीनाम कुल्लम के क्षेत्र के पास की है। बीती रात गुरुवार को महिला के साथ सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया गया। पीड़िता द्वारा शिकायत मिलते ही पीड़िता के पति समेत 5 लोगों को गुरुवार रात हिरासत में ले लिया गया है। बता दें, पीड़िता को जबरन शराब पिलाने के बाद गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया था। वहीं बाड़मेर में एक ही परिवार की 2 बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी होने का फायदा उठाकर बच्चियों को बहला फुसला कर एक मकान में ले जाया गया, जहां उनकी अश्लील फोटो खींची गई। फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनके साथ लगातार 2 साल तक बलात्कार किया जाता रहा। दोनों ही बच्चियां नाबालिग है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।